आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसको हम शॉर्ट में एपी भी लिखते हैं। एपी से नोट किया जाता है, एपी में तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन होती है और बाकी टर्म्स हम एक फिक्स नंबर उसमें ऐड करते जाते हैं, उससे लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म होती है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट टर्म 5 गिवन है और फिक्स नंबर, कोई भी फिक्स नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, उसको मैं ऐड करता हूँ। फिक्स नंबर लेता हूँ यहाँ पे, क्या लेता हूँ 3। तो फर्स्ट टर्म 5 में 3 ऐड किया, क्या बन गया 8 में 3 ऐड किया 11 3 ऐड किया 14 14 में 3 ऐड किया 17 20 23 सो ऑन। ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या कहेंगे, एपी। या मान लो फिक्स नंबर हमारे पास है 5 लो, ठीक है, फर्स्ट टर्म 5 और फिक्स नंबर में -2 लेता हूँ, तो ये क्या है, 5 में ऐड किया -2 तो ये बन गया 3, अब ये इंक्रीज हो रही है, ये आ गया 1 और -2 ऐड कर दिया आया 1 में से 1 गया तो किसके बराबर -1 -3 -5 -7 सो ऑन। या कोई भी 4 लेता हूँ फर्स्ट टर्म, इसमें 0 ऐड किया 4 और 0 ऐड किया 4 और 0 ऐड किया 4 और 0 ऐड किया 4, तो ये भी एपी हो सकती है। तो एपी सिंपली होता है कि एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन हो और एक फिक्स नंबर हम आगे उसमें जब ऐड करते जाएं उस लिस्ट ऑफ नंबर की, वो लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म हो, तो उस वैसे लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या कहेंगे, एपी। तो इसमें फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे टर्म इज डिनोटेड बाई ए, जहां भी ए दिखेगा वो फर्स्ट टर्म। फिर जो फिक्स नंबर होता है, नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द एपी। फिक्स नंबर को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट इज नोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी। आज के बाद यहाँ एपी चैप्टर में जब भी ए दिखे स्मॉल नंबर, फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी और स्मॉल डी का मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे इस बार एपी में देखोगे फर्स्ट टर्म कितनी हो, ए किसके बराबर है 5 एंड फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है, जो हम ऐड कर रहे हैं नंबर वो आ जाएंगे किसके बराबर 3। सेकंड एपी में ए इज इक्वल टू 5 एंड डी जो फिक्स नंबर में ऐड कर रहे हैं वो कितना था -2। इसी तरह थर्ड एपी में फिक्स नंबर क्या है, सॉरी फर्स्ट टर्म में 4 एंड डी किसके बराबर है 0। तो ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन हो और एक फिक्स नंबर में ऐड करते जाएं, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं, तो उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी अगर आपके पास एपी गिवन होगी, मान लो एपी है 9 14 19 24, अरे कोई एपी दी गई तो आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, इस लिस्ट ऑफ नंबर को एपी कहा गया, दिस इज एन एपी। तो अगर आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो आप सिंपली क्या करोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो 14 में से, किन्हीं भी दो टर्म्स का कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, बट फर्स्ट टर्म में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, दैट इज 5 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ सी डी। इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट इसी के बेसिस पे फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या कहा गया है, हमारे पास एक सिचुएशन दी गई है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर एंड द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो क्या ये सिचुएशन एक एपी बनेगी, इस सिचुएशन को हम एपी कहेंगे। तो इस सिचुएशन को अगर हम देखें इसकी टर्म्स क्या आ रही है,
एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास टैक्सी फेयर क्या है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 और एडिशनल किलोमीटर के लिए क्या है ₹8। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर फर्स्ट पार्ट में टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या दिया गया इज इक्वल टू ₹15। तो टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर क्या आ जाएगी इसमें एडिशनल फॉर एडिशनल किलोमीटर इज एट है टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर इज इक्वल टू ₹8 है। तो टैक्सी फेयर फॉर के फर्स्ट किलोमीटर को मैं A1 लेता हूँ इसको मैं लेता हूँ A1। टैक्सी फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर कितना है 8 है तो इसका मतलब फॉर सेकंड किलोमीटर किसके बराबर होगा इसको सेकंड तरफ ले लूंगा ये किसके बराबर आएगा ₹15 प्लस ₹8 किसके बराबर आएगा ₹23 के बराबर। टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर इसको ये 3 लो तो इसमें ₹23 में ऐड करो ₹80 किसके बराबर आएगा ₹31 है सही। टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर ये 4 ले लो इसको ये आ जाएगा ₹31 में ऐड करो ₹8 = ₹39 के बराबर। इस तरह से ये चलता जा रहा है। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर हमें कैसे पता चलेगा ए पी है या नहीं है तो इसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आ रहा तो ए पी होगी नहीं आ तो नहीं तो मैं A2 में से A1 को माइनस करूँ क्लियर। A2 माइनस A1 किसके बराबर आ रहा है इज इक्वल टू 23 माइनस 15 किसके बराबर आता है 8 ऐसे A3 माइनस A2 किसके बराबर आ रहा है 31 A3 देखो कितना है 31 माइनस 23 ये भी 8 के बराबर। A4 माइनस A3 किसके बराबर है 39 माइनस 31 किसके बराबर ये भी 8 के बराबर। इसी तरह से चलता जा रहा था आगे सारे डिफरेंस सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस ये आ रहा है इसका भी रिसर्च नंबर क्या होगी ए की होगी। हियर सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू सो ऑन ये चलती जा रही है इसी तरह से टर्म्स इनके डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ द गिवन सिचुएशन फॉर्म्स इन AP। सो द गिवन सिचुएशन फॉर्म्स इन AP ये सिचुएशन काम करेगी। नेक्स्ट इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखो इसमें कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर एंड वैक्यूम पंप यूज 1/4 ऑफ द एयर 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हम पहले A1 क्या रखेंगे इसमें सेकंड पार्ट में A1 टोटल एयर हम x रखते हैं x एयर इसमें प्रेजेंट होगी हमें पता नहीं कितनी है तो A2 क्या आ जाएगी इसमें से हम क्या कर रहे हैं वैक्यूम पंप से 1/4 एयर इसकी रिमूव कर रहे हैं A2 क्या आएगी ये आ जाएगी x में से माइनस करो 1/4 ऑफ x क्योंकि इसका 1/4 पार्ट हमने रिमूव किया 1/4 ऑफ पार्ट का पीछे कितनी एयर बची 1/4 ऑफ पार्ट हमने इसका रिमूव किया तो ये किसके बराबर आता है x माइनस x अपॉन 4 व्हिच इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3x अपॉन 4। ऐसे A3 निकालो तो आप कितनी बची है 3x अपॉन 4 इसमें से इसका 1/4 और रिमूव हो गया 1/4 था 3x अपॉन
फोर ये आ जाएगा किसके बराबर, थ्री एक्स अपॉन फोर में से माइनस करना है, ये कितना आता है थ्री एक्स अपॉन सिक्सटीन, तो ये किसके बराबर आ जाएगा सिक्सटीन इज द एलसीएम, और यहां से सिक्सटीन से डिवाइड किया फोर को कितना आएगा फोर, फोर इज ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस थ्री दैट इज 9x upon 16, इस तरह से इसकी टर्म बनती जा रही है, बट यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकाले और सेम ही आ रहा तो ये सिचुएशन जो है वो ये भी फॉर्म नहीं करेगी। इसी तरह आप ये चेक करो थर्ड और फोर्थ पार्ट इससे इसके, बट सेकंड क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी इसकी जनरल फॉर्म डिस्कस करूंगा एपी की। एपी की थोड़ी जनरल फॉर्म डिस्कस करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, एपी की जनरल फॉर्म मैंने कहा था फर्स्ट टर्म को ए से नोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से नोट करते हैं, फर्स्ट टर्म ए से एंड कॉमन डिफरेंस हम डी से नोट करते हैं, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म ए ए प्लस बी सेकेंड टर्म आएगी, इसमें वो डी कर दो ए प्लस टू डी इसकी थर्ड टर्म आएगी, ऐसे ही ए प्लस थ्री डी इसकी फोर्थ टर्म आएगी, ए प्लस फोर डी सॉ इसको हम क्या कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए की। और इसकी टाइप्स अगर देखें एपी की टाइप्स में क्या आता है, फाइनाइट एपी क्या होती है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हो, जैसे मैं कोई एपी लिख रहा हूँ 4, 7, 10, 13, 16, 19 यहाँ तक फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है इसकी कितनी सिक्स टर्म्स है, इस टाइप की एपी को हम क्या कहेंगे फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी क्या होती है, जहाँ पर हमारे पास टर्म्स कुछ अच्छा होते हैं फिक्स टर्म डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें नहीं है, जैसे मैं लिखता हूँ 3, 6, 9, 12, 15 और आगे ये तीन डॉट्स हैं कि सो ऑन, ये तीन डॉट्स के अब दायरे से कोई एंट्री नहीं चलती जा रही है, तो ऐसी एक भी जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स ना हो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट एपी, जनरल फॉर्म भी होगी इसकी टाइप भी होगी। नेक्स्ट स्टेप पर हम क्वेश्चन नंबर टू इसका देखते हैं, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी में फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोस, इसके फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिए गए हैं, मैं इसके कोई भी थर्ड और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करता हूं, फर्स्ट फोर टर्म लिखनी इसकी एपी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, अगर हमारे पास एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता हम कितने भी टर्म्स हैं कोई भी टर्म इसकी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, वी हैव ए किसके बराबर है, इसके ए गिवन है, ए फर्स्ट टर्म बोलते हैं ए है 4 एंड डी है माइनस 3, ए इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू माइनस 3, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, फर्स्ट फोर टर्म लिखी फर्स्ट टर्म क्या आएगी 4 के बराबर, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं ए 1 4, सेकेंड टर्म ए टू लिखते हम ए टू या पी टू से नोट करते हैं, इसलिए हम यहाँ ए टू से ही करेंगे, ए टू इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी, फर्स्ट टर्म फोर में ऐड करो इसका कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू किसके बराबर 1, इसी तरह थर्ड टर्म किसके बराबर आएगी इस ए थ्री लिखेंगे, तो जो भी सेकेंड टर्म आई है इसमें ऐड करो माइनस थ्री आ जाएगा इसके बराबर, ये सेकंड टर्म में जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट टर्म ए वन ए इज इक्वल टू 4, ये होती है ए प्लस डी विच इज इक्वल टू ए किसका लिखो 4 और डी किसका माइनस 3 1, इसको लिखते हैं ए प्लस टू डी थर्ड टर्म विच इज इक्वल 4 प्लस 2 इंटू डी की माइनस 3 इसके बराबर आएगा, 4 माइनस क्या 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 किसके बराबर आया माइनस 2,
इसी तरह फोर्थ टर्म किसके बराबर आएगी, a प्लस थ्री डी एज फोर प्लस थ्री इंटू डी एज माइनस थ्री किसके बराबर आएगा, फोर माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस फाइव। दिया है इसकी फर्स्ट फोर टर्म से ये सिंपल है। आपको देखो बाकी पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, विच आर द फॉलोइंग एपीज नीचे द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन फ्रेंड्स। ये तो काफी सिंपल है, कोई भी पार्ट को आता है इसका थर्ड पार्ट देखो, फर्स्ट टर्म और कॉमन फ्रेंड्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट गिवन एपी क्या है, एपी यहाँ एपी दी गई हमारे पास 1 upon 3, 5 upon 3, 9 upon 3, 1 upon 3, 5 upon 3, 9 upon 3 और 13 upon 3 ये दिया गया है। और हमें इसकी फर्स्ट टर्म कॉमन फ्रेंड्स मिल रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म किससे बराबर आएगी, फर्स्ट टर्म से बी क्या होगी 1 upon 3 के बराबर, और इसमें कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आएगा, 5 upon 3 माइनस 1 upon 3 किसके बराबर आएगा, 4 upon 3 के बराबर। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सेपरेट करो, 4 upon 3 इज द कॉमन डिफरेंस। तो सिंपली कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो जब ए बी आपके पास। और क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है, हमें बताना है ये एपी है या नहीं है। इफ देयर फॉर्म इन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस इन राइट थ्री मोर टर्म्स, अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी लिखनी है। तो हमारे पास पहली लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, 2, 4, 8, 16 सो ऑन फर्स्ट पार्ट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या दी गई है हमारे पास 2, 4, 8, 16 सो ऑन। तो क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं, इसके लिए मैं निकालता हूं a2 - a1। इस लिस्ट ऑफ नंबर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो ये आएगा 4 - 2 व्हिच इज इक्वल टू 2 के बराबर। ऐसे ही a3 - a2 निकालो, क्या आ रहा है a3 8 थर्ड टर्म से सेकंड, ये डिफरेंस कितना आ रहा है 4। तब इनका डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा है तो आप यहीं से ही लिख सकते हो ये सिंस ए टू आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये सेम आना चाहिए। ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू है, इसका मतलब सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन एपी, ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है एपी नहीं होगी। ऐसे कोई इसका सेकंड हैंड में मैं कोई और पार्ट करता हूँ, रूट्स वाला करता हूँ, 3, 3 + 5th पार्ट सॉल्व करता हूँ, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √3 सो ऑन। फिफ्थ पार्ट में आपने को द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, ये हमारे पास गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है 3 + √2, 3 + 3 √2, इस तरह से लिस्ट ऑफ नंबर बनती जा रही है आगे सो ऑन। तो ये एपी है या नहीं हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखो हियर a2 - a1 किसके बराबर आया, a2 इज 3 + √2 में से माइनस करो a1 दैट इज 3 को, तो 3 कैंसिल, क्या है इसका कॉमन डिफरेंस √2। फिर a3 - a2 इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, a3 क्या है 3 + √2, तो माइनस करेंगे इसको, जब माइनस करेंगे तो हम दोनों टर्म माइनस आ जाएंगे, ये -3 - √2 हो जाएगा, सबट्रैक्शन में ब्रैकेट डायरेक्ट खोल दी, 3 कैंसिल, 2 √2 में से √2 गया तो ये भी √2 आ रहा है। ऐसे ही a4 - a3 क्या आएगा, a4 इज 3 + √2 - इसको माइनस करो तो ये प्लस माइनस का माइनस, ये भी माइनस,
किसके बराबर आया, 3 कैंसिल, रूट 3 में से 2 रूट 3, रूट 2 में से 2 रूट 2 क्या, तो ये भी रूट 2 आ रहा है, इसे जाता जा रहा है एंड सो ऑन। सिंस हर जगह का डिफरेंस कितना आ रहा है, रूट 2 आ रहा है टर्म्स के बीच में, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू सो ऑन, किसके बराबर आ रहा है, रूट टू के बराबर। तो देयर फोर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन ए पी, इस लिस्ट ऑफ नंबर में भी कह सकता हूं विद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू रूट टू, इसके कॉमन डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी इसकी लिखनी है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर थ्री टर्म्स आर, इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी, थ्री प्लस थ्री रूट टू था, तो ये टोटल वन टू थ्री फोर टर्म है, नेक्स्ट टर्म में फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, इसमें थ्री प्लस थ्री रूट टू में ऐड करो रूट टू, तो ये क्या आ जाएगा, इस रूट टू का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब वन, इसका कोएफिशिएंट क्या है थ्री, क्योंकि कोएफिशिएंट आप उसमें ऐड करें, इसमें थ्री प्लस वन दैट इज थ्री प्लस फोर रूट टू, ऐसे ही सिक्स टर्म क्या आ जाएगी, थ्री प्लस फोर रूट टू जो फिफ्थ टर्म थी इसमें, और ये कॉमन फ्रेंड्स रूट टू ऐड करो तो ये बनेगी थ्री प्लस फाइव रूट टू, ऐसे सेवन्थ टर्म इसकी बनेगी थ्री प्लस फाइव रूट टू प्लस रूट टू करो तो ये आ जाएगा थ्री प्लस सिक्स रूट टू के बराबर। इस तरह से आपने चेक करना है, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम है तो वो एक ही है, जहाँ पे सेम नहीं आ रहा तो वो एक ही नहीं होगी। इसके बाद थोड़ा सा ये जनरल फॉर्म्स की डिस्कस करते हैं, nth टर्म ऑफ एन ए पी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट nth टर्म इन ए पी क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन ए पी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी बेसिस पे है, टर्म ऑफ एन ए पी क्या है, तो कोई भी एपी की जनरली में बात करो तो टर्म्स फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म ए को ए वन तो मैं सीधा ए ही लूंगा, ए टू क्या होती है ए प्लस बी, ऐसे ही ए थ्री को हम क्या लिखते हैं जनरली, थर्ड टर्म क्या है जनरल फॉर्म ए प्लस टू डी, ए फोर क्या है ए प्लस थ्री डी, मैं जनरल फॉर्म से टर्म लिखूँ, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी। और इसका मैं चेक करूं ए वन है तो इसको क्या ए प्लस वन माइनस वन, दिस वन माइनस वन इंटू डी दैट इज जीरो डी, ए प्लस जीरो डी ये ही होता है। ए टू है तो ये आ जाएगी ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, इधर ए टू है तो क्या है ए प्लस इस टू में से वन को माइनस, ए टू माइनस वन इंटू डी दैट इज टू माइनस वन वन ही होता है ए प्लस डी, ये आ गया। ए थ्री तो ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी होती है, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी आती है ए प्लस टू डी, ऐसे ए फोर है इसको ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी दैट इज ए प्लस थ्री डी के बराबर आए। तो सेम यही पैटर्न हम फॉलो करते जाएं ए एन किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर, और इसको हम क्या कहेंगे nth टर्म ऑफ एन ए पी, इस कॉल द nth टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है। टोटल किसी ए पी में एन टर्म से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उस केस में nth टर्म को ही लास्ट टर्म ऑफ ए पी ही कहा जाता है। तो इसी के बेस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, टर्म ऑफ एन ए पी के बेसिस पे अगर हमारे पास कोई भी ए पी की फर्स्ट टर्म और कॉमन फ्रेंड्स गिवन हो तो इसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं हम।
कोई भी टेंथ टर्म निकालो ये फॉर्मूला अप्लाई करके, इसकी 20th टर्म आप फाइंड कर सकते हो, तो कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट हम इसी के बेसिस पे एंटर हुआ, हम एपी के बेसिस पे कल एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसकी 5.2 एक्सरसाइज फॉलो करेंगे।